हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू उमा क्रिएटिविटी। चलिए आज हम इस छोटे से टुकड़े का रीयूज़ करेंगे। यहाँ से हमने एक स्ट्रिप निकाल ली है, उसके बाद ये बचा हुआ जो कपड़ा था उसे हमने फोल्ड कर लिया है और अच्छे से हम दे देंगे शेप। उसके बाद इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसी के नाप से फॉर्म नोन वन कट कर लेंगे और इसे स्टिच करके जोड़ देंगे। और इसका नाप है यहाँ पे 14x9 इंचेस। और इसे स्टिच करने के बाद दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं और एक पार्ट हमने ऐसा ले लिया है, तो ऐसे हमें दो पार्ट लेने हैं। और इसका नाप है 14x4 इंचेस। और इसे आपको यहाँ पे ये जो दो पार्ट हमने रेडी किए थे उसी के साथ ऐसे जोड़ना है। देखिए, उसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी जोड़ना है, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रिप चिप लेनी है। चिप को ऐसे अटैच करने के बाद आप प्रेस्टिच कर दें, दूसरा पार्ट भी अटैच कर लें, फिर बैक साइड की यहाँ पे प्रेस्टिच कर लें। और फिर हम यहाँ पे देखिए नॉन वन का पार्ट रनर डालने के बाद नॉन वन का पार्ट लेंगे। यहाँ पे आपको ये देखिए जहाँ से जिप है वहाँ से लेके यहाँ तक नॉन वन का पार्ट कट करना है और फिर अटैच करना है और यहाँ पे पॉकेट बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 18x4 इंचेस का ये बेल्ट लेना है, जिसे आपको फोल्ड करके बेल्ट बनाकर रेडी कर लेने हैं। इसे रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे इसे मेन पार्ट को फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे एक नोचीस लगाएं, उसके बाद 2.5 इंचेस पे दोनों साइड मार्क कर लीजिए और फिर यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर लीजिए। बेल्ट अटैच हो जाए उसके बाद आपको एक छोटा सा पार्ट लेना है जिसका नाप है 6x5 इंचेस। और फिर हम एक जिप लेंगे जिसका नाप है 9 इंचेस। फिर आपको छोटे छोटे दो टुकड़े लेने हैं जिसका नाप है 2x5 इंचेस। और इसके साथ आपको यहाँ पे ऐसे जिप को अटैच करना है दोनों साइड से और रनर पहले डाल दीजिएगा और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जिप ऊपर की साइड अटैच करेंगे, फिर आपको यहाँ पे इस तरफ से स्टिच करके अटैच करना है। ऐसे आप स्टिच कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे टॉप स्टिच कर लें। टॉप स्टिच करने के बाद आपको क्या करना है, इसे ना आपको यहाँ पे अटैच करना है सेंटर में। तो सेंटर में अटैच करने के लिए पहले नीचे का जो पार्ट है उसमें सेंटर में नोचिस लगाएं, फिर ऊपर का जो पार्ट है पॉकेट वाला उसमें भी सेंटर में नोचिस लगाएं, फिर दोनों नोचिस को मिलाते हुए आपको ऐसे साइड में जो है उसे फोल्ड करके पूरे राउंड में आपको स्टिच करना है। और ये पॉकेट हमारा बनकर रेडी है। उसके बाद आपको दूसरा पार्ट लेना है, उससे पहले आप एक जिप लीजिए, उसे यहाँ पे अटैच कीजिए, फिर प्रेस स्टिच कीजिए। देखिए दोनों पार्ट अटैच हो गए, फिर प्रेस स्टिच हो गए, फिर साइड में दोनों साइड में आपको स्टिच करना है। दोनों साइड में स्टिच करने के बाद आप बॉटम पार्ट लीजिए। बॉटम पार्ट में यहाँ पे इसका नाप बता देती हूँ, तो इसकी लंबाई है 10 इंचेस, चौड़ाई है 5 इंचेस और यहाँ पे आपको 2 इंचेस पे मार्क करना है। देखिए आगे और पीछे दोनों साइड मार्क करना है और सेंटर में देखिए यहाँ पे कितना नाप हो रहा है, 8 इंचेस, और ये हमें लेना है 11 इंचेस। और इसे यहाँ पे जोड़ दीजिए, दोनों साइड से जोड़ना है ऐसे, देखिए। फिर आपको यहाँ पे साइड में जोड़ना है और इस तरीके से ये बॉटम पार्ट हमारा अटैच हो जाएगा और हमारी बैग रेडी हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय भारत, वंदे मातरम।